हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो है मोशन वन डायमेंशन से। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद पोजीशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कर्व। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एस इक्वल्स टू 1 मीटर इज। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है और कर्व जो है ये कुछ आप डायग्राम में देख सकते हो। नाउ ये जो ग्राफ है या फिर कर्व है, इट इज अ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, राइट। जहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन यहां पे है तो हमें पता होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इट इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पे एम क्या होता है, एम होता है स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और इस केस में सी क्या होगा, तो सी विल बी इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट, वा इंटरसेप्ट, ये इसका मीनिंग होता है, राइट। और x इज अ x कोऑर्डिनेट और y जो होगा वो y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो अब इस केस में अगर देखते हैं तो y कोऑर्डिनेट मतलब अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस अगर है, तो y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट है s। तो कोऑर्डिनेट हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, y एक्सिस पर वेलोसिटी m, x एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट और c इज अ y कोऑर्डिनेट। तो अभी अब यहां पे हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नाउ जैसे हमने कहा था m क्या होता है, m इज अ स्लोप। तो स्लोप को देखो हम लोग कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m दैट इज अ स्लोप दैट इज नथिंग बट चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय एस टू माइनस एस वन, दैट इज अ चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहां पे देख सकते हो 10 है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10 दिया है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां पे ये रहेगा 0। ये जो हमने वैल्यू लिखी है ये ग्राफ की मदद से लिखी है। देखो इस पॉइंट पर ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, देखो मैं रेड कलर से यहां पे शो कर रहा हूं, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो इस फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो थी 30 और इस फाइनल पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो 10, तो हमने 10 और 30 ऐसे लिख दिया। इस इनिशियल पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो 10 थी और डिस्प्लेसमेंट था 0। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो इट इज 20/10 विच इज इक्वल टू 2। मतलब इस केस में जो स्लोप की वैल्यू आ जाती है दैट इज 2, राइट। तो जैसे हमें यहां पे फाइंड करना था एक्सेलरेशन, तो चलो एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। उसके जस्ट पहले मैं इक्वेशन को फिर से लिखूंगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू m, और हमने यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट लिखा था s प्लस c, तो वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, v इज इक्वल्स टू m कितना आया है 2 है, डिस्प्लेसमेंट s, और यहां पे y इंटरसेप्ट क्या है, देखो फिर से वही ग्राफ में अगर चलते हैं तो दिस इज व्हाट द y इंटरसेप्ट, ये 10। तो इस केस में y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी 10, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब चलो एक्सेलरेशन फाइंड कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हमारे पास टाइम से रिलेटेड कोई भी वैल्यू नहीं है, और इसलिए यहां पे देखो हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल कैसे, डीवी बाय डीएस, या फिर मैं इसको प्रॉपरली आपको समझा देता हूं, मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह से डीवी और ये डीटी, ओके। तो अब जो ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहां पे हम लोग लिखेंगे डीएस और यहां लिखेंगे डीएस, देखो ये मैथमेटिकली बैलेंस हो गया। नाउ डीवी बाय डीएस इसकी वैल्यू क्या है, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और ये जो टर्म है दैट इज डीवी बाय डीएस, तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं पहले। ds by dt क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन राइट दिस वन एज v dv by ds, राइट। तो चलो v की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सो हियर इट इज 2s प्लस 10, और d by ds ऑफ हम लोग लिखेंगे 2s प्लस 10, राइट। अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2s प्लस 10, मैं एज इट इज लिखता हूं, और जो ये जो टर्म है इसका हम लोग लेंगे डेरिवेटिव, तो 2s का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और 10 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है 0, राइट। सो अब ये कितना होगा 2s प्लस 10 और इनटू कितना रहेगा 2। अब s इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, तो हमें जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है वो कहां पे है, देखो क्वेश्चन में देखते हैं,
एक्सेलरेशन फाइंड करना हमें s इक्वल्स टू 1 मीटर के लिए, तो s की वैल्यू हम लोग 1 रिप्लेस कर देंगे, सो 2 इंटू 1 प्लस 10 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 2, सो 2 इंटू 1 2 प्लस 10 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा देखो 12 इंटू 2 दैट इज 24, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। ऑप्शन में अगर चलते हैं तो इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है 24, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है।